कि लोगों का जो सलूक है वो इतना बुरा होता है। आपको नहीं पता चलता ख्वाजा सरा के साथ क्या सलूक करते हैं, मेन रोड पे आओ पता नहीं चलता कोई पत्थर मार देगा, कोई जाते हुए बाइक वाला टांग मार के गिरा दे। लोगों को एजुकेशन की कमी है। क्या ख्वाजा सरा पैदा होना उसका अपना कसूर होता है? कसूर वाली बात है हमारे माशरे में। आउट ऑफ कंट्रीज यूरोप में आप देख लो ना, कानून लॉज इनके लिए बने हैं, घर वाले भी उनको एक्सेप्ट करते हैं। इतने तकलीफ क्यों है आप? होना क्या है, पंजाबी में एक गाना है कि जिंदगी तमाशा बनी दुनिया का हादसा बनी। शूटिंग वगैरह करते हैं लड़के? हाँ करते हैं। इसमें मेरे साथ पिंकी मौजूद है। घर से निकलते हैं अपना पेट पालने के लिए, लेकिन मुआशरे का सलूक इतना बुरा है कि आज ये इसकी आंखों में आंसू भी हैं, आज ये उस तकलीफ में भी है, इसके अल्फाज में भी तकलीफ है कि लोगों का जो सलूक है वो इतना बुरा होता है कि हम लोग अपने घर से निकलते हुए ये समझते हैं कि हम लोगों की जान रिस्क पर है। क्या वजह है ये पिंकी, ऐसा क्यों है कि रिस्की है आपकी जान? क्योंकि मुआशरों के रवैये से आपको नहीं पता चलता ख्वाजा सरा के साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ। रिस्क की लाइफ है हमारी, कमरे हाँ। से अपने बाहर निकलो तो मोहल्ले से बाहर निकलो मेन रोड पे आओ हाँ। तो बस वो बहुत पता नहीं चलता कोई पत्थर मार देगा, कोई हाँ। जाते हुए बाइक वाला टांग मार के गिरा देगा। क्या वजह पिंकी आप लोगों के साथ, लोगों का लोग इतने जाहिल है कि अभी भी लोग तो मतलब खौफजदा होते हैं, मतलब मैं जहाँ तक हम लोगों को सिखाया गया है कि नहीं आप तो चलो ख्वाजा सरा किसी को भी तंग करना या स्पेशली आप लोगों की दुआएं लेनी चाहिए या बददुआ नहीं लेनी चाहिए। अब अगर आप लोग ये भी सुना है कि खुद से भी बने होते हैं, अगर खुद से भी बने तो आप लोगों में वो वाइब्स होती हैं तो बनते हो ना? हाँ ये बात है, बस क्या कहें लोगों को एजुकेशन की कमी है। आप कितना पढ़ी हुई हो? मैंने मैट्रिक क्लियर किया। मैट्रिक किया हुआ है? मुझे बताओ घर वाले आपके किधर है? रावलपिंडी में। घर वालों ने छोड़ दिया हुआ? हमेशा से घर वाले क्यों छोड़ देते हैं ख्वाजा सरा को? क्या ख्वाजा सरा पैदा होना उसका अपना कसूर होता है? कसूर वाली बात है हमारे माशरे में स्पेशली। ये आउट ऑफ कंट्रीज यूरोप में आप देख लो ना, इन लोगों की कम्युनिटी है, इन लोगों को कानून लॉज इनके लिए बने हुए हैं, वो घर वाले भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो वहाँ पे कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो मुल्क है ना, इसमें हम लोगों को कोई नहीं बात ना, यहाँ पे मर्जी का। आप घर से निकलती हो, आप इतने तकलीफ क्यों हैं? आपके साथ क्या ऐसा हुआ है? होना क्या है, अपनी जिंदगी, वो पंजाबी में एक गाना है कि जिंदगी तमाशा बनी दुनिया का हादसा बनी है, वही बात है बस, और क्या होना है, क्या बताएं आपको। लोग इतना तंग करते हैं, लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अवेलेबल हो हमेशा से हर किसी के लिए, या आप लोगों के ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि आप लोग हर किसी के लिए अवेलेबल है? हाँ ये सोच है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये सोच आस्ते आस्ते ना अभी ख़त्म हो रही है, क्योंकि कोई आज़ाद मीडिया की वजह से भी, लास्ट 20 ईयर से जो मीडिया आज़ाद हो गया ना, इस वजह से भी हम लोगों कुछ ना कुछ अभी कोई बात है, कोई इतना भी नहीं होता। लेकिन खुद मैं तो कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में बंदा खुद सही हो ना तो सारी दुनिया इसको अच्छी लगती है। हूटिंग वगैरह करते हैं लड़के? हाँ करते हैं, लेकिन हूटिंग तक ही है अभी, कोई पता नहीं। आपने ये क्यों कहा आपकी लाइफ रिस्की होती है? लाइफ रिस्की है ना, क्या करें, पूरी तरह वो अभी वो कानून नहीं बने हम लोगों के लिए, पूरी तरह वो हमें तहफ़ नहीं है इस चीज़ का, तो मंद अदराक है ना मुझे कि मुझे पता है कि इस वजह से मैंने बोला कि लाइफ रिस्की है। पिंकी कभी दिल में ये ख्वाहिश हुई है कि पूरी औरत होती है, पूरा मर्द होती तो शादी होती, घर बसता, एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारती? ख्वाहिश तो होगी ना, ये तो कुदरत के खेल हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंसान ख्वाहिशात वक्त के साथ ना वो दम तोड़ती जाती हैं। एक जैसे ये लोहा है, इसको बड़ा जंग लगता रहता है दिल दिमाग। ख्वाहिशात ऐसे आम बंदों की तरह मेरी भी थी कि मेरे भी कोई बच्चे होते, या तो मैं लड़की होती मुकम्मल या मैं लड़का होता, बस यही है और क्या। ख्वाहिशात वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मगर कम निकले मेरे अरमान। कुछ इस तरह का था। खैर मैं एक ही बात कहूँगी कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है कि ये ख्वाजा सराय, इसमें इनके वालदेन का भी नहीं इतना कसूर होता, ये कुदरत की अता है, अल्लाह ताला ने जिसको
लड़का देना हो लड़का देता है, जिसको लड़की देना हो लड़की देता है, जिसको चाहे मिला कर दे, ये अल्लाह ताला की अता है। इसलिए आप लोग इस ये सोच कर इनकी इज्जत कर लिया करें कि ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।